देवता करी ना सब नंदी नाथ इतनी बड़ी तस्वीर लागी। चमगादड़ को यहाँ भगवान माना जाता है। हमारे वैशाली जिले की सरसई में है और जहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर डमरू सा। तो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हम आशा करते हैं स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो गाइज ऐसे ही आप लोग बने रहे, तो आज हम सरसई मंदिर घूमने के लिए चले हैं। और ग्रुप के सारे लोग आगे भाग चले हैं, तो हम अभी सरसई मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहां चल के आपको दिखाएंगे काफी मजेदार दृश्य। तो यहां से आपको दिख रहा है कि फाइनली हम सरसई मंदिर पहुंच गए हैं और चलते हैं सरसई का। अभी यहां पे झूला मेला लगा हुआ है, तो हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, बाबा का दर्शन करवाएंगे। अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पे आप लोग आकर के भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। और यह प्रतिमा देखकर आप अनुभव कर सकते हैं कि कितनी भव्य और कितनी सुंदर यह निर्माण हो रही है। तो हम लोग मंदिर के करीब आ गए, देखिए यह नंदीनाथ की तस्वीर के सामने है और यह बम 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 डमरू सा बगर बम बम बगर बम बम जैसे से बजाते हैं बाबा ना, वही वाला डमरू। तो भगवान शिव की नंदीनाथ की देखिए इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है, ये क्या है? ये है भगवान। देखिए अभी कार्य निर्माण चल ही रहे हैं, देखिए। तो फाइनली कितनी खूबसूरत यह स्थान बनाई गई है। और यहाँ आने के बाद आपको पता ही नहीं लगा कि आप बिहार के वैशाली ज़िले में हैं और हमारे राजापाकर क्षेत्र में। आप मानो कि महादेव के दर्शन के लिए हम पर्वतों में कैलाश पर्वत आए। यह बहुत बड़ा यहाँ पोखर है, दूर से देखिए। दूर से देखने से प्रतीत होता है कब हम महादेव के चरणों में चले जाएं, उनका चरण स्पर्श कर ले। तो फाइनली मेन मंदिर का दर्शन। और यह मंदिर का मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान शिव के हम अपने सर को टेकते हैं और भगवान से अपनी गलती सलती और जो हमारे भगवान हमको जो भी दे देते हैं। तो यह हमारे भगवान की शिव की प्रतिमा, अभी फाइनली यह मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है और इसकी कार्यरत अभी चालू ही है सब तक। अभी बाहर आपको दिखाएंगे, देखिए इधर यहाँ भी अभी कुछ कुछ बन ही रहा है। तो फाइनली जब तक यह मंदिर बनते हैं तब तक आप लोग वेट करें, फिर अगले वीडियो में आपको पूरी तरह यह मंदिर का फाइनल जो यहाँ की प्रतिमाएं तैयार हुई, हमारे भगवान के स्टेचू कितनी खूबसूरत है कि आकर यहाँ आपका मन गार्डन सा हो जाए। एक बार आके आप देख रहे हैं और देखिए देख सकते हैं पीछे की कितनी खूबसूरत हमारे भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है। और अभी हम लोग ऊपर चलेंगे जो मेन। तो फाइनली गाइज इस रास्ते से हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, मंदिर बना है मूर्ति बना है वहाँ आप लोग को दर्शन करवाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो अभी आप लोग इस ब्लॉग में बने रहे और अभी तो एक एक कण का मजा, एक एक क्षण का मजा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर और हमारे महाकाल साहब आज हमारे साथ हैं। ग्रुप के कुछ लोग अभी तक लोग गायब है, अभी तक उसको हम बुलाते हैं। देखिए कि यह मंदिर इतनी खूबसूरत बनाई गई है। अभी जो आप दृश्य जहाँ से देख रहे हैं इसको आप गैलरी एरिया या व्यूज पैलेस कह के जान सकते हो, क्योंकि यहाँ आप फ्रंट सीरियस से आएंगे तो पहले नीचे के दर्शन नहीं करके आपको ऊपर ही आ जाएंगे। देखिए व्यूज पैलेस से आप पूरे इस गांव का व्यूज पूरी तरह देख सकते हो। अगर आप लोग इस मंदिर यहां आना चाहते हैं, अगर इस मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा इस ब्लॉग वीडियो को पूरा देखें और पूरा जानें राजा हिप्पा ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम बता दें कि आप पहले हमारे बिहार आएँ, बिहार के बाद आप हाजीपुर आने, हाजीपुर के बाद अगर किसी को भी बोलेंगे कि हमको सरसई पोखर मंदिर जाना है
तो आपको यहाँ तक की राह बता देगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लें और अगर यहाँ आना है तो फ्री होकर आ सकते हैं। चलिए ऊपर चलेंगे, लव यू, बने रहे। तो आपने मंदिर का सारे कैंपस देख लिया, यह सेकेंड फ्लोर है। भारत के जितने नामी दामी टेम्पल है सभी का डमी यहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई गई हैं हमारे हिंदुस्तान के जितने फेमस मंदिर है। अगर यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए तो आपका मन जो है ना एक बार यहाँ से घूर कर नहीं जाने का, जैसे कि आप शिव में विलीन हो गए। और यहाँ कैंपस है पूरा, और इस गांव में इस मंदिर में डेली हजारों लोग आते हैं देखने। हमारे सोने के चैन वाले बाबा साहब है, ये लोग कहाँ खो गए थे तो अभी मिले हैं, दिल्ली से आए, और इनके लिए दरवाजा नहीं खुला है तो बाप हमारे इंजीनियर साहब का ध्यान कहाँ है देखिए, काम पर ध्यान दे रखा है। तो हमारे ग्रुप के टीम लीडर साहब उस समय से काफी परेशान थे और रास्ता में खो गए, बेचारे कहाँ खो गए कि एक घंटे बाद लेट से पहुँचे हैं। प्रशासन के डर से गली पकड़ के भाग रहे थे। अमृत के बूंद के इसको देखिए, यह इतनी खूबसूरत विंडो है जहाँ से आप पूरे मंदिर और इतनी बड़ी सरसई पोखर की आप मुआयना कर सकते हैं। थर्ड फ्लोर में खुली हुई है या नहीं अभी तो वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगा, तो आप लोग बने रहे, अभी ऊपर चलते हैं फिर दिखाते हैं कि ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ है या बंद। इन्हीं सीढ़ियों से धीरे धीरे चलते हैं, देखिए ऊपर एक पहुँचा हुआ। देखिए हम लोग भगवान शिव के मूल दर्शन करने आए थे और यहाँ पे ताला लॉक है। यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ताला खुलवाओ ना, ताला खुलवाओ। आप जो भी देख रहे हो ये स्टैंड या फ्रेम या हमारे शिव जी की जो ऊपर वाले प्रतिमा है उसकी फ्रेम है, यही फ्रेम पे हमारे महादेव जी टिके हुए। उधर से आने वाले उधर से जाने के लिए ऊपर, तो आप लोगों ने देखा कि ताला लॉक ही है। चलिए नीचे ही फिर से बात करते हैं बाबा से, अगर बाबा ताला खोल देते हैं तो मजा आ जाएगा। यह मंदिर से बाहर निकलते ही गेट पे है स्वागत के लिए। तो विशाल बाबू क्या ले रहे हो आप, महाकाल की मुस्कुराहट देख के तो लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ा ही लेने वाला है। क्या लेगा महाकाल? तो फाइनली अभी आपको हम सरसाई मंदिर दिख रहा होगा पीछे, मंदिर के रोड के बाजू से आप अगर आप आते हैं तो एक विचित्र प्राणी है चमगादड़, जिस चमगादड़ का अजीबो गजीबो कारनामा अभी सामने से हम दिखाएंगे। तो चलिए डरना क्या है राजू, तो फाइनली अभी तो है आप देख सकते हैं कि ये लोग और एक दो नहीं 10-20-50 हजार के जनसंख्या में ये लोग होंगे। देखिए सब उड़ रहा है, इस पेड़ में पत्ते नहीं है, डाल नहीं, इसीलिए दिख रहे हैं ज्यादा है ना? सारे पेड़ में है बट बहुत नहीं, काफी ज्यादा है यहाँ। देखो उड़ रहा था, कितना बड़ा पंख है सबका, पंख तो बड़ा है ही साथ ही साथ ये लोग सीधे नहीं उल्टे लटके हुए रहते हैं। लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी दूसरे छोर पे चल रहे हैं, चलिए राजस्थान स्पीड में, और जहाँ पे चमगादड़ के कारनामे दिखाने के लिए। काफी दूर से आप ये नज़ारा देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा के संख्या में वो लोग हैं, और काफी दूर है और नदी है तो हम लोग उस पार जा नहीं सकते हैं, वो लोग सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। देखिए वहाँ जितने वृक्ष दिख रहे हैं ना सारे पे वो है, ऐसे तो इस पे ही है बट इस पे काफी घना नीम का पेड़ है, दूर दूर से आप लोगों को दिख रहा होगा। और इस पीपल पे तो बहुत बड़े बड़े हैं, जिसको आप मंदिर के साइड से जहाँ आप सरसाई की पूरी आर्किटेक्ट जो फिनिश हो जाएगा
वह दिखाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।